मुहर्रम को लेकर शहर में किया गया फ्लैग मार्च, कई इलाके किए गए सील। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अनलॉक 4 लगातार जारी है, तो वहीं इस अनलॉक में शनिवार रविवार संपूर्ण लॉकडाउन रहता है। इसी को लेकर आज जनपद मुरादाबाद के थाना डिलारी में पुलिस प्रशासन के द्वारा कई गाँव में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष सतराज सिंह व पुलिस के जवान फ्लैग मार्च में शामिल रहे। मुहर्रम को लेकर ताजिया निकले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके मद्देनजर पुलिस ने कई इलाकों को बैरिकेडिंग करके पूरी तरह सील कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। मुहर्रम को लेकर शहर में प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च हुआ। शहर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में सभी थानाध्यक्ष, CRPF जवान, सिपाही भारी संख्या में मौजूद रहे। शहर का हाल जाना और सारी व्यवस्था सही रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद से तैनात रही। वहीं मुरादाबाद के थाना डिलारी के क्षेत्र के गांव में भी थाना अध्यक्ष सतराज सिंह के द्वारा कई गांवों में फ्लैग मार्च किया गया और ताजिया ना निकले और लॉकडाउन का पालन करें, भीड़ इकट्ठा ना करें। कई गाँव में जाकर ग्रामवासियों को जागरूक भी किया गया। आपको पता है कि आज चूँकि पूर्व निर्धारित आज का लॉकडाउन के लिए दिवस निर्धारित है, तो लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह रूट मार्च किया जा रहा है। और आज मुहर्रम का पर्व भी है, उसके दृष्टिगत भी एहतियात जो है हम लोग जो हैं बरत रहे हैं। हालांकि जितने भी लोग शहर भर के हैं, उन लोगों ने जो है जिलाधिकारी महोदय और SFC साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दे दिया था कि हम इस बार जो है कोरोना संक्रमण की दृष्टि से उत्सव जो है इस प्रकार से मनाएंगे कि उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोई ताजिया का हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, अभी तो ताजिया ही नहीं बनाएंगे। तो उसी का जो है अभी तक ऐसा सकारात्मक सहयोग जनता का प्राप्त हो रहा है, कहीं से कोई ऐसा इनपुट नहीं है जिससे जो है शांति व्यवस्था की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ऐसे आप जो है सील कहना नहीं कह सकते, ये केवल जो है जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, जो लोग जो है थोड़ा सा जो है जैसे जैसे जो है अनलॉक की स्थिति आ रही है, लोग जो है थोड़ा सा अधिकांश लोग तो जो है सहयोग में थे, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो केवल घूमने फिरने के लिए सड़कों पर आ जाते थे, तो केवल उनको रोकने के लिए ये जो है हमने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। अदरवाइज इसका कोई सील करने से या उससे कोई बहुत ताल्लुक नहीं। अभी तक सर जिला प्रशासन की तरफ से जो और सद्भाव दिख रहा है, आप देख भी रहे हैं, कहीं से जो है किसी भी तरफ से जो है कोई असहयोग की बात अभी तक तो सामने आई नहीं। देखिए शहर के सभी थानाध्यक्ष, उनका फोर्स, इसके अलावा RRF की एक कंपनी इस फ्लैग मार्च में सम्मिलित है। हाँ जी, ये मुहर्रम को लेकर और एक आम जन, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय भी है और सैटरडे संडे है, तो एक केवल शांति का और सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। सभी कुछ सब ठीक है, परफेक्ट है, पुलिस की भी पूरी तैयारियां है किसी भी तरह के कंडीशन से जूझने के लिए, और बाकी सभी कंडीशंस फेवरेबल हैं, सूटेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं।